बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप अपने यूट्यूब वीडियो पर कॉपीराइट फ्री म्यूजिक यूज करते हैं तो कुछ दिनों बाद कॉपीराइट क्लेम आने लगता है, तो वह कैसे आता है, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वह कैसे आता है और मैं इसका सलूशन भी आप लोगों को बताऊंगा। तो इससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लो। तो सबसे पहले मैंने अपना यूट्यूब ऐप ओपन करके अपना चैनल ओपन कर रहा हूं, तो आप देख पाएंगे कि मेरे चैनल का नाम संजू एडिट्स है। तो मैंने इस चैनल पर भी अपने वीडियो में म्यूजिक का इस्तेमाल किया है, यानी कि कॉपीराइट फ्री म्यूजिक का इस्तेमाल किया है, यूज किया है। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। यहां पर नीचे जाने पर आप देख सकते हैं फेसबुक में फॉलोअर बढ़ाने के तरीका, तो इसमें आप देख सकते हैं कॉपीराइट क्लेम आ चुका है। तो मैं इसको प्ले करके दिखा देता हूं कि मैंने भी कॉपीराइट फ्री म्यूजिक इस्तेमाल किया था। प्ले हो रहा है तो आपको दिखा देता हूं, तो आप यहां पर देख पाएंगे कि मैंने भी अपना बैकग्राउंड में कॉपीराइट फ्री म्यूजिक इस्तेमाल किया था, बट कॉपीराइट क्लेम आ चुका है। तो इसका मतलब यह है कि यूट्यूब एल्गोरिदम यह बताना चाहता है कि आप कॉपीराइट फ्री म्यूजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं इस यूट्यूब चैनल पर, क्योंकि मेरा चैनल इस समय धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, तो इसके कारण यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस के विरुद्ध हो गया है। तो आप इस कॉपीराइट फ्री म्यूजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आप केवल अगर आप वीडियो बनाएंगे तो कॉपीराइट फ्री म्यूजिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, केवल अपनी वॉइस के द्वारा ही अपनी वीडियो को रिकॉर्ड करेंगे। तो यह मेरा बहुत ही अच्छा सलूशन मैंने आप लोगों को दिया है कि आप बिना कॉपीराइट म्यूजिक यानी कि बैकग्राउंड म्यूजिक के आप वीडियो अपनी वॉइस के द्वारा बनाएं, तो इससे आपके वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम का ऑप्शन नहीं शो होगा। तो थैंक यू। इससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सपोर्ट करो दोस्तों, क्योंकि मैं आपके लिए ही मेहनत करता हूं, क्योंकि मैं आपके लिए ही यह वीडियो बनाता हूं, आपके यूजफुल के लिए वीडियो बनाता हूं। तो सपोर्ट करो। धन्यवाद।